दोस्तों, क्या आप लोग किसी ऐसे घर में रहना चाहोगे जिसमें ना ही तो कोई वॉल्स ना ही कोई कॉलम्स, बस है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांच की दीवारें और ऊपर छत। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा घर कोई एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। वेल, आई वुड से यस। फिलिप जॉनसन, जो कि अपने टाइम के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही चर्चा में रहने वाले एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक्चुअली एक ऐसा घर डिजाइन करा। आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हो कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस कांच के बने घर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते कि फिलिप जॉनसन कौन थे और उनका क्या पूरा बायोडाटा था। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिप जॉनसन के बारे में, जो कि अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा मशहूर आर्किटेक्ट थे और जिनको सबसे पहले प्रिट्जकर अवार्ड भी मिला था आर्किटेक्चर फील्ड में, जो कि एक नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है। सो वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो ऑफ जेन ज़ी वाले आर्किटेक्ट्स। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई होप यू गाइज विल सपोर्ट अगेन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिलिप जॉनसन अपने टाइम के बहुत ज़्यादा मशहूर आर्किटेक्ट थे एंड उनका जन्म हुआ था क्लीवलैंड ओहायो में 1906 में, एंड उनके फादर एक बहुत ही वेल नोन एंड बहुत ही रिच लॉयर थे। तो वो बहुत ही एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उनको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वेल्दी होने का मतलब यह था कि उनको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, जैसा जनरली होता है कि मोस्ट ऑफ अस की पैसों की वजह से अपने पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट उनको अपना पैशन, अपना जो भी उनको करना था, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा मौका मिला अपने सब चीज़ें करने के लिए। इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, जो कि हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो बने रहिएगा एंड तक। सो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फिलिप जॉनसन की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई एंड वो कैसे कैसे आर्किटेक्चर फील्ड में आए। आर्किटेक्चर में आने तक का सफर उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा अपने करियर स्विच करे हैं, तब जाके वो एक फेमस आर्किटेक्ट बने थे, जिनको हम आज एज अ फिलिप जॉनसन द आर्किटेक्ट मानते हैं। तो 1930 में फिलिप जॉनसन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी इन फिलोसफी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्टार्टिंग में उनका आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी फिलोसफी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, वो जो कि न्यूयॉर्क में है, सो उसके वो डायरेक्टर बन गए। लेकिन उन्होंने एज अ डायरेक्टर वहाँ पे सिर्फ 2 साल काम करा एंड उसके बाद उन्होंने अचानक से अपनी वो पोस्ट छोड़ दी। अचानक से एज अ डायरेक्टर अपनी पोजीशन छोड़ने की वजह थी, जो कि उनका इंटरेस्ट फिर बदलने लगा था जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स में। उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्टिकल या फिर ऐसे कह लें जो कि काफ़ी मशहूर है, दैट वॉज द इंटरनेशनल स्टाइल, जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा डिपिक्शन उसने करा था। पॉलिटिक्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के साथ भी काम करा है। अगर हम उनका पॉलिटिकल करियर देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी चाहिए कि वो नाजीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे, उनकी फिलोसफीज एंड हाउ दे थिंक, वो उनको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट करते थे। एंड इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा नाजी आर्मी की भी रैलीज में जाते थे ताकि वो हिटलर को देख सके फेस टू फेस। सो इस सबके बाद भी फिलिप जॉनसन अभी भी आर्किटेक्ट नहीं है, ना ही उनका आर्किटेक्चर करियर शुरू हुआ है। फिलिप जॉनसन वॉज अ फिलोसोफर पहले एंड नाउ ही इज इन जर्नलिज्म एंड पॉलिटिक्स, बट स्टिल ही इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट एंड ही इज़ नॉट एज फेमस एज एन आर्किटेक्ट एज वी नो इट टूडे। लेकिन उनकी ये लेगेसी, उनका ये करियर एंड उनका ये इतना सारा फेमस होना, दैट आई एम मेकिंग विद दिस वीडियो ऑन फिलिप जॉनसन टुडे, ये उनका शुरू होता है जब वो वापस से हार्वर्ड जाते हैं जस्ट टू स्टडी आर्किटेक्चर एंड टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ आर्किटेक्चर। सो कुछ साल तक पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म अपना करियर कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने फिर से हार्वर्ड ज्वाइन कर लिया था एंड इस बार उन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन करा था जस्ट टू स्टडी आर्किटेक्चर एंड देन ही स्टडी द रियल आर्किटेक्चर विद मार्सेल ब्रूअर एंड वॉल्टर ग्रोपियस। सो इसी के साथ शुरू होता है उनका असली आर्किटेक्चर करियर एंड देन ही स्टडीड आर्किटेक्चर, ही मास्टर्ड द आर्किटेक्चर एंड देन ही डिजाइंड हिज फर्स्ट बिल्डिंग। बेसिकली ही डिजाइंड अ हाउस ऑन 9th एश स्ट्रीट इन कैम्ब्रिज, which was his first project. After completing the course, he started his own firm and started taking his own projects. And one of his most famous projects, which I was talking in the beginning of the video, the glass house. So he designed the glass house, which was just a 56 by 32 feet long cuboid. He designed this house फॉर हिमसेल्फ, बट इनके इस डिजाइन में हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं मीज वैंडरहोइक का डिजाइन करा हुआ फ्रांसवर्थ हाउस एंड ही रियली एडमायर्स दैट एंड ही एडमिट्स दैट ही हैज टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रांसवर्थ हाउस, क्योंकि मीज वैंडरहोइक एंड उनकी फिलोसफी एंड उनका स्टाइल उनका खुद का ही इंस्पिरेशन बन चुका था। तो मीज वैंडरहोइक स्टाइल, द मिनिमलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द डिजाइन बिकेम हिज ओन डिजाइन स्टाइल एज वेल। ही नेवर एवर डिनाइड दैट ही हैजंट टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम द मीज वैंडरहोइक और हिज डिजाइन फ्रांसवर्थ हाउस एंड दिस बिकम्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एन आर्किटेक्ट दैट इफ यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन एल्सिस डिजाइन सो यू शुड ऑल्सो पे क्रेडिट टू दैट पर्सन। सो दिस हाउस वॉज ऑलवेज अंडर द कॉन्ट्रोवर्सीज बिकॉज ऑफ हिज डिजाइन एंड हाउ ही मेड लिटरली नो प्राइवेसी इन द हाउस, देर वॉज टोटल ग्लास फैसाड्स एंड यू कैन सी कंप्लीटली थ्रू द बिल्डिंग। सो दिस हाउस वॉज ऑलवेज अंडर द क्रिटिक्स बट स्टिल टूडे वी रिमेंबर दिस हाउस एज अ रिमार्केबल प्लेस। फिलिप जॉनसन डिड
लॉट ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स मेजरली हाई राइज बिल्डिंग्स, जिसमें कि एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है द सी ग्राम बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, जो कि उन्होंने अपने आइडल अपनी इंस्पिरेशन मीज वैन डर रोहे के साथ डिजाइन करी थी। सो थ्रू आउट द 1960s ही डिजाइन लॉट ऑफ बिल्डिंग्स विद मॉडर्निस्ट टच विद सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, वेयर ही डिजाइन थिएटर्स, आर्ट गैलरीज एंड सम पब्लिक प्लेसेस एज वेल। Now coming to the 1967 when he collaborated with architect John Burgee, and then उन्होंने और भी ज़्यादा बड़े projects लेना शुरू कर दिए, जैसे कि large offices for large companies. With this collaboration with architect John Burgee proved to be really successful for him. He then designed the Benzoil Palace, the Boston Public Library and few sculptures and gardens also. Now coming to his postmodernism career, where he designed buildings in fusion with modern architecture and few historical elements as well. One of the best examples of his postmodernism building is AT&T building, which is now known as 550 Madison Tower. Now here is the list of few other famous buildings that he designed during his postmodernism period. Heinz College of Architecture, Lipsting Building in Manhattan, One Detroit Center in Michigan, and the Chapel of St. Basil at the University of St. Thomas. For his such an amazing works and amazing buildings and always being in notice to the public, he was awarded as the American Institute of Architects Gold Medal. Along with that, in 1979, जब प्रिट्ज़कर अवार्ड का पहला रिसिप्टेंट अनाउंस होना था, ही वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रिट्ज़कर प्राइज। जॉनसन्स लेगेसी एज एन आर्किटेक्ट, एज अ फिलोसोफर, या फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर को प्रमोट क्यों ना करना, वो आज भी आर्किटेक्ट्स को इंस्पायर करती है उतना ही जितना वो उस टाइम पे करती थी। इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशली हिज डिजाइन ग्लास हाउस एंड द सी ग्राम बिल्डिंग, हैव लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर। हिज यूनिक अप्रोच टुवर्ड्स द डिजाइन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड if you see his prolific career, it still inspires the architects and the designers of the date. So that's it for the video. I hope you really enjoyed this video. Thanks for watching, and I hope you will support, and if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and press that bell icon for latest updates so that you don't miss such an amazing videos in the upcoming days. So like this video and don't forget to share this video with your architects and your designer friends. So bye bye, see you guys in the next video.